जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम स्मॉल कैप के जिस स्टॉक के बारे में स्टडी करने वाले हैं, स्टॉक का नाम है रतन इंडिया एंटरप्राइजेस। यस, पावर ट्रेडिंग कारोबार में, पावर ट्रेडिंग एंड कंसल्टेंसी जो यहाँ पे लिखा गया है, इस कारोबार में कंपनी है। एंड स्टॉक तकरीबन एक साल पहले, मतलब 52 वीक लो चेक करेंगे, 5 रुपये का था, आज 65 रुपये के आसपास काम कर रहा है। एंड फंडामेंटल्स को भी चेक करेंगे, टेक्निकल्स को भी समझेंगे। एंड अगर आप चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो मैं आपको अपडेट दे दूं, पिछले दिनों जिन स्टॉक्स के ऊपर स्टडी की थी वहाँ पे एक्शन शुरू हो गया है। एंड अपडेटेड लिस्ट जो है वो क्या है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले उन स्टॉक्स का नाम लूँगा जो स्टॉक्स अपनी हायर रेंज यानी कि ऊपरी रेंज जहाँ पे स्टॉक पहुँच गए हैं, मतलब नए जोन में पहुँच गए हैं, उसे आप टारगेट भी कह सकते हैं। तो उन स्टॉक्स के जो नाम है वो ये है, दीपक नाइट्राइट, एलिकॉन इंजीनियरिंग, डी मार्ट, अजमेरा, अजमेरा रियलिटी, पूरा नाम ले लेता हूँ अजमेरा रियलिटी, ई क्लर्क सर्विसेस, डीजी स्पाइस, कजारिया सिरामिक्स और लक्ष्मी ऑर्गेनिक। एंड साथ में दो नाम और है, एस्ट्रल इंडिया एंड गोदरेज प्रॉपर्टीज। ये स्टॉक्स रेंज के हायर एंड के आसपास काम कर रहे हैं या फिर ऑलमोस्ट रेंज में पहुंच चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट वो स्टॉक्स जहाँ पे ब्रेकआउट होने की तैयारी है या ऑलमोस्ट हो चुका है, दो नाम है, वो है सोनाटा सॉफ्टवेयर एंड अदानी एंटरप्राइजेस। तो प्लीज़ अगर रेगुलरली आप चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो पूरी अपडेट के साथ, मतलब जो अपडेट आपके साथ शेयर की है वो आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपको मैं बता दूं हम यहाँ पे करते क्या है, हम जो बेसिक चीज़ें समझ में आती है एंड लॉजिकली जो लेवल्स ऊपर और नीचे की तरफ देखने देखने या समझने मिलते हैं हम उसकी बात करते हैं। हम आश्चर्यजनक या फिर सरप्राइजिंग लेवल्स की मैं बात नहीं करता हूँ, कोई झूठा वादा या फिर किसी को गलत फहमी हो ऐसी कोई बातें हम नहीं करते, ऐसे कोई लेवल्स के बारे में हम चर्चा नहीं करते। एंड आपसे स्पेशली रिक्वेस्ट करूँगा, आप हमसे किसी जादू की उम्मीद ना कीजिए। जी हाँ, कोई बड़े मैजिक की उम्मीद ना कीजिए। अगर आपको किसी बढ़िया तरीके के जादू की उम्मीद है तो आपसे यही कहूँगा, वीडियो को आगे ना देखें। बट लॉजिकली अगर आपको समझना है क्या हो सकता है क्या नहीं होने वाला है तो प्लीज़ आपका स्वागत है, वेलकम, एंड हमारे साथ लंबे समय के लिए जुड़े रहिए। तो चलिए अब शुरू करेंगे रतन इंडिया एंटरप्राइजेस के ऊपर स्टडी। स्मॉल कैप का स्टॉक है, 346 नंबर पे रैंक करता है। फंडामेंटल्स को चेक करेंगे, मार्केट कैप 9140 करोड़ के आसपास। स्टॉक की पी ये मुझे सही लग नहीं रही है, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा अगर स्टॉक की पी के ऊपर आपके पास कोई अपडेट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सारे ही इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को ये जानकारी आपकी तरफ से हमारे काम की होगी एंड उसके लिए आपका पहले ही धन्यवाद। 52 वीक लो जैसे मैंने कहा था 4.5-5 रुपये का एंड 52 वीक हाई 71। क्वार्टरली रिजल्ट्स यहाँ पे ध्यान देना है एंड यहाँ पे असली एक्शन है एंड समझने की कोशिश करेंगे ऐसा क्या हो रहा है स्टॉक में। एंड सबसे पहले तो ये जो भी नंबर दिख रहे हैं देख के कन्फ्यूज नहीं होना है, सारे नंबर है करोड्स में। एंड यहाँ पे हमें चेक क्या करना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट और EPS यानी कि अर्निंग्स पर शेयर, एंड पिछले 4 क्वार्टर के डाटा करेंगे हम कंपेयर। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या देखने मिल रहा है, जून 2020 में नेगेटिव 0.12, फिर और गिरावट नेगेटिव 0.15, और गिरावट नेगेटिव 0.51, और गिरावट नेगेटिव 0.93। हर क्वार्टर में परफॉर्मेंस, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो खराब होती जा रही है। आगे बढ़ेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 0.09 पॉजिटिव, फिर और गिरावट 0.06, एंड फिर उछाल 0.12, एंड फिर और बड़ी गिरावट 0.26 नेगेटिव। सो कंपनी यहाँ पे आ गई लॉस में, नुकसान में। नेक्स्ट नेट प्रॉफिट 0.08 पॉजिटिव, 0.05 गिरावट सितंबर में, 0.10 उछाल एंड 0.22 नेगेटिव, आ गई फिर से कंपनी लॉस में। EPS 0.00, सो EPS कांस्टेंट है, बट क्या समझ में आ रहा है, मार्च 2021 के क्वार्टर के हिसाब से नंबर जो है नेगेटिव है। जी हाँ, कंपनी लॉस में है, जी हाँ, प्रॉफिट में नहीं है, इस बात को आप समझिए। आगे बढ़ेंगे, बैलेंस शीट, इसमें हमें क्या देखने मिल रहा है, बोरिंग्स सिर्फ एक चीज़ वो है कर्ज, शून्य, बोरिंग जीरो है। एंड ये चीज़ को मैंने क्रॉस चेक किया है दूसरे वेबसाइट्स पे भी, वहाँ पर भी मुझे जानकारी शून्य कर्ज दिखा है, कर्ज मुक्त दिखा है। अगर आपके पास कोई जानकारी है तो प्लीज़ अपडेट ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, और एक चीज़, ये मैंने दो बार ये आपसे जानकारी, अगर आपके पास कुछ होगी तो मांगी क्यों है, क्योंकि ये जो मूव आया है स्टॉक में 5 से 65, ये थोड़ा अजीब मुझे लगा है। सो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आपके सामने कोई गलत जानकारी आपके सामने मैं रख दूँ, दैट्स द ओनली रीज़न। आपके पास फंडामेंटल्स के बारे में कोई भी जानकारी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जो मैंने PE के बारे में कहा सेम यहाँ कर्ज के बारे में भी कह रहा हूँ। आगे यहाँ पे एसेट्स में क्या देखने मिल रहा है, इट इज़ अराउंड 85 करोड़ के एसेट्स कंपनी के पास। सो मार्केट कैप कितना, 9130 करोड़ का मार्केट कैप, सामने शून्य कर्ज दिखा रहा है अभी तो, और एसेट सिर्फ 85 करोड़ के।
नेक्स्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, प्रमोटर्स ये थोड़ा मतलब सही लग रहा है मुझे, दैट इज 75% की होल्डिंग, एंड विदेशी संस्था है 8.69 एंड पब्लिक के पास 16.56% होल्डिंग। सो आप देख सकते हैं जो पूरा मूव आया है ना, तब से मतलब प्रमोटर के पास होल्डिंग उतनी रही है, प्रमोटर ने कोई भी मतलब दखल अंदाजी नहीं किया, प्रमोटर्स ने कोई भी बाइंग या फिर यहाँ पे कुछ नहीं किया है, सो शेयर होल्डिंग कॉन्स्टेंट है अभी तक। सो फंडामेंटल्स को चेक करेंगे, क्या समझ में आता है, मार्केट कैप 9,130 करोड़, हर क्वार्टर में कंपनी ऑलमोस्ट परफॉर्मेंस जो है मतलब नेगेटिव, मतलब धीरे धीरे करके सितंबर में थोड़ा उछाल आया था बट दिसंबर मार्च में फिर से नेगेटिव हो गया है एंड कंपनी प्रॉफिट में नहीं है, हमने क्लियरली देखा है ये नंबर्स में। आगे कर्ज बिल्कुल नहीं है, जो हम फिर से आपकी मदद चाहूँगा यहाँ पे, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या सच में कर्ज मुक्त है। साथ ही एसेट्स 9,100 करोड़ के सामने सिर्फ 85 करोड़ के एसेट्स, ओके, एंड प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे 75% दिख रही है एंड पब्लिक के पास सिर्फ 16.56%। अभी हम चार्ट पैटर्न्स पे जाएंगे, उसके पहले अपडेट, और अपडेट है ये, अगर आप डीमैट कम ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप अपना अकाउंट fivepaisa.com के साथ ओपन कर सकते हैं। पहली इंपॉर्टेंट बात, अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सक्सेसफुल अकाउंट ओपन होने के बाद आपके अकाउंट में fivepaisa.com 250 रुपीज़ क्रेडिट करेंगे एंड उन पैसों से आप आपकी पसंद के शेयर्स खरीद सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, पहले महीने के लिए जो अमाउंट आपको पे करना है पर ऑर्डर, दैट इज 0 रुपीज़ पर ऑर्डर, जी हाँ फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 0 रुपीज़ पर ऑर्डर, एंड आफ्टर फर्स्ट मंथ इट इज़ 20 रुपीज़ पर ऑर्डर, एंड ये ऑफर fivepaisa.com की तरफ से है। आपको और जानकारी चाहिए वेबसाइट विजिट करके आप ले सकते हैं, एंड अगर आपने अकाउंट ओपन करने का मन बना लिया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अभी हम रतन इंडिया के चार्ट पे आ गए हैं एंड यहाँ पे हमें समझना क्या है, देखिए सबसे पहले स्टॉक 7-8 रुपये के आसपास था, एक बड़ा स्टॉक का रेजिस्टेंस था, और वो कब से था, स्टॉक 2000 देख लीजिए, लंबे समय से स्टॉक उसी के आसपास काम कर रहा था, एंड ये जो लेवल का ब्रेकआउट है अप्रैल 2021, इसी साल आज से 4 महीने पहले, जी हाँ आज से 4 महीने पहले हम कह सकते हैं, तब स्टॉक का भाव 4.5 रुपये था, जी हाँ अप्रैल महीने से अब तक 4 का 64 हो गया है। एंड सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा, वो लोग जो सोच रहे हैं कि उन्होंने रैली को मिस कर दिया है, तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कोई बात नहीं, नो इश्यूज नो वरीज, हर स्टॉक सभी लोग खरीद ले ऐसा ज़रूरी नहीं होता, ओके, एंड सभी चीज़ सबके नज़र में भी जल्दी से नहीं आती है। सो ये जो एंड इस तरह से जो स्टॉक्स मतलब भाग जाते हैं ना, मुझे नई पोजिशन बनाने में वहाँ पर तो मुझे तो बहुत डर लगता है, ओके। अब चार्ट पैटर्न को समझने की कोशिश कर लेते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे स्टॉक बढ़िया तरीके से अपर सर्किट लगाता है, फिर एक नया रेजिस्टेंस बना लेता है, यहाँ पे ये वाला देखिए 19.70 रुपये, 19.7 एक ये, फिर नेक्स्ट और आगे बढ़ेंगे यहाँ पे देखिए, फिर से बना दिया स्टॉक ने अराउंड 23.75 2, फिर और आगे गया स्टॉक एंड यहाँ पे बना दिया अराउंड 53.75 54 भी कह सकते हैं उसके आसपास, ओके। सो सी एंड सीधी सी बात है, स्टॉक अगर वन वे ऊपर की तरफ निकलेगा तो कुछ लोग प्रॉफिट भी बुक करने वाले हैं, सीधी बात है, सब पैसे कमाने के लिए यहाँ पे हैं, तो एंड सबकी सबका नज़रिया अलग होता है, सबकी सोच अलग होती है, एंड एज़ पर सबका ड्यूरेशन भी अलग होता है मतलब होल्ड करने का, तो उनका समय आ जाता है, फिर टारगेट आ जाता है तो वो निकल जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए अपर सर्किट का सिलसिला, स्टॉक वन वे एक ही ट्रैक में ऊपर चला गया यहाँ पे, एंड यहाँ पे क्या देखने मिल रहा है, ऊपर की तरफ एक टॉप बना लिया रेजिस्टेंस 70.45, उसको ध्यान में रखिए 70.45, इसको कलर में देता हूँ ग्रीन। अब नई तेजी को अगर आना है ना तो इसके ऊपर बंद होना बहुत ज़रूरी है, सो 70.45 के ऊपर क्लोज ज़रूरी, क्लोज अबव 70.45, एंड इसके ऊपर जब स्टॉक बंद हो जाएगा, जिस नई रेंज में स्टॉक ऊपर की तरफ जा सकता है, जी हाँ जिस नई रेंज में स्टॉक जा सकता है उसके बारे में बात कर लूँ, और वो है ये, इस रेंज में स्टॉक जा सकता है और वो है 77 से लेके 84 इस रेंज में स्टॉक जा सकता है। इनफैक्ट स्टॉक सर्किट टू सर्किट काम करता है, उस रेंज को उसको ध्यान में रख के मैंने जो लेवल है ऊपर की तरफ थोड़े से बताए, जी हाँ थोड़े से ऊपर की तरफ बताए हैं। नेक्स्ट, जिनको 1 दिन से लेके 5 दिन तक पोजीशन बनानी है, कौन सा लेवल नीचे की तरफ स्टॉक तोड़ दे तो आपको हो जाना है सावधान, वो है 60.5। नेक्स्ट, वैसे तो इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, अगर मेरे पास पैसे हो, ये स्टॉक अगर मुझे सामने दिखे तो मैं तो ना करूं, बट फिर भी कुछ लोग होते हैं जिनको मतलब उनका नज़रिया अलग होता है, उनको प्लान करना है, तो 54-40 इस लेवल के आसपास स्टॉक मिले तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आपको करना है तो, बट अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी को समझिए, एंड इन्वेस्टमेंट का मतलब है कम से कम 3 महीने 6 महीने 9 महीने
एंड अगर आप इतना मतलब ड्यूरेशन प्लान करके करते हो तो हर क्वार्टर में कंपनी के रिजल्ट्स को भी चेक कीजिए। जी हाँ, रिजल्ट्स के साथ भी अप टू डेट रहना है। बट अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ, अगर ये स्टॉक मेरे सामने है, अभी मेरे पास पैसे है, तो मैं इस स्टॉक में निवेश ना करूँ, बिकॉज 5 रुपये का स्टॉक 65 रुपये हो चुका है। सो ऑलमोस्ट स्टॉक ऊपर से तकरीबन सिर्फ 10% भी करेक्ट किया है। एंड ऐसे स्टॉक्स में मूव प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। जी हाँ, मूव जो है उसको प्रेडिक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ऐसे वॉलेटाइल स्टॉक से दूर रहना है। प्लस मेजर इंपॉर्टेंट बात, जो कंपनी नुकसान में है उससे दूर रहना है। जी हाँ, हमने नंबर्स चेक किए हर क्यू ऑन क्यू बेसिस के, पिछले 4 क्वार्टर है कंपनी नुकसान कर रही है। आप खुद मुझे बताइए, जो चीज़ अगर आपको पता है नुकसान कर रही है, उसमें आप पैसा क्यों लगाओगे, क्यों निवेश करोगे? और भी बढ़िया ऑप्शन अवेलेबल है मार्केट में, तो प्लीज़ उन पर भी फोकस कीजिएगा। बट सबकी सोच एक नहीं होती है, सबका अलग अलग नज़रिया होता है। सो अगर किसी को निवेश करना है या ट्रेड करना है तो लेवल्स को ध्यान में ज़रूर रखिएगा। फिर से रिपीट करूँगा, अगली तेजी कब आएगी? 70.45, उसके ऊपर स्टॉक बंद होगा। एंड जैसे ही बंद होता है, आने वाले 1 से 1.5 महीने में मार्केट तेजी में रहता है अगर, तो 77.84 इस रेंज में स्टॉक जाता हुआ दिख सकता है। इसे आप टारगेट भी मान सकते हो। नीचे की तरफ जो लोग एक दिन से लेके 5 दिन के लिए पोजीशन बनाने में मन रखते हैं, प्लान करते हैं, 60.5 या फिर 60 रुपये का ही ये तोड़ दे तो आप नीचे की तरफ निकल जाइए और नुकसान बढ़ सकता है। एंड जिनको निवेश करना है 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने को ध्यान में रखें, 54 and 40 rupees इसके आसपास स्टॉक मिलता है, तो आप निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। साथ ही हर क्वार्टर में आप रिजल्ट जो आएंगे उसका अपडेट ज़रूर लें। एंड जो भी जानकारी आपके सामने पेश की है वो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।